हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबकी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी की रेसिपी। इस मटर पनीर को आज हमने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाकर तैयार किया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर बनाने के लिए यहाँ लिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल। इसी के साथ इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच जीरा। जीरा को चटकने देंगे। आप सभी से निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमने यहाँ पर ले ली है 2 बड़े साइज की रफली चॉप की हुई प्याज। प्याज को हमें यहाँ पर ज्यादा नहीं भूनना है, ना ही हमें प्याज का कोई कलर चेंज करना है। सिर्फ प्याज को थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करना है। तो गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए प्याज को भूनेंगे। यकीन मानिए, जब आप इस तरह से मटर पनीर घर पर बनाएंगे तो रेस्टोरेंट वाली मटर पनीर भूल ही जाएंगे। बिल्कुल शादी पार्टी में मिलने वाली पनीर जैसा आपको टेस्ट आएगा। प्याज भुन चुकी है, इससे ज्यादा हम नहीं भूनेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 बड़े साइज के टमाटर। इन्हें भी हमने रफली चॉप कर लिया है। अच्छे से करेंगे मिक्स। और इसी के साथ इसमें जाएगी 2 हरी मिर्च। और यहाँ मैं ले रही हूँ 1 सूखी लाल मिर्च। अगर आपके पास ये हो तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है। अब हमें टमाटर को सॉफ्ट करना है। तो टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। यहाँ पर थोड़ा ही नमक डालें और अच्छे से मिक्स करते हुए। और जब तक टमाटर अच्छे से पक नहीं जाता, हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस पर कोई प्लेट ढक दीजिए या फिर किसी ढक्कन से कवर करके 4 से 5 मिनट पका लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। टमाटर बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं। अब हम इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे और मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 करी पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग। और इसी के साथ इसमें जाएगा 1/2 चम्मच जीरा। अब जो हमने टमाटर प्याज की प्यूरी बनाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर प्याज को ध्यान रखें, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड करें। ये ठंडा हो गया था, उसके बाद ही मैंने इसे ग्राइंड किया है। और अब इसी जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। मसालों में ले रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से बहुत ही अच्छा कलर आता है सब्जी में। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और इसी के साथ इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार नमक। नमक यहाँ पर हमने पहले भी ऐड किया था टमाटर प्याज को जब पकाया था, तो यहाँ पर थोड़ा ही नमक डालें। और अच्छे से चलाते हुए इन मसालों को हमें भूनना है। इस ग्रेवी को हमें जब तक पकाना है जब तक कि ये ऑयल नहीं छोड़ देती। अब हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम करेंगे और इसे ढककर पका लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस ग्रेवी को मैंने 8 से 10 मिनट के लिए पकाया है बिल्कुल लो मीडियम गैस पर। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सब्जी का कलर आया है, बिल्कुल ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ दही। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच दही का यूज किया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए ही इसे और पका लेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैंने यहाँ पर ली है 250 ग्राम मटर। मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर का यूज़ किया है। अगर आप फली वाली मटर ले रहे हैं तो उसे पहले
थोड़ा सा बॉईल करें, उसके बाद ही ऐड करें। और अब आप यहाँ पर ग्रेवी को जितना भी पतला या गाढ़ा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए और पका लीजिए। और ये देखिए मटर बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। ये हमने फ्रोज़न मटर ली थी तो ये जल्दी पक जाती है, तो ये 2 से 3 मिनट में ही पक चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 250 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने क्यूब्स में कट करके पहले ही रखा था और इसमें ऐड कर देंगे। और 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम ढककर और पकाएंगे क्योंकि हमने इसमें भी पनीर भी डाला है। 4 से 5 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सुपर टेस्टी सुपर यमी मटर पनीर की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए और किस किस को मटर पनीर पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला और अच्छे से चलाते हुए सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप चाहें तो हरा धनिया डालकर एंजॉय करें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है सुपर टेस्टी सुपर यमी मटर पनीर। आप इसे रोटी पराठा किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।